नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। कार्ड आप लोगों के लिए निकलता है टू ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि वालों के लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। आज मान सम्मान आपको मिलेगा, साथ ही में धन प्राप्ति के योग भी नजर आ रहे हैं। संतान की चिंता थोड़ी सी रह सकती है, जिसके प्रति आप अगर बहुत समय से लापरवाही बरत रहे हैं तो आज थोड़ा सा उनका ध्यान दीजिए उनकी एक्टिविटीज़ पर। उपाय क्या करेंगे, आज भगवान विष्णु की उपासना करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वृषभ राशि। आपके लिए कार्ड निकलता है फोर ऑफ कप्स। आज कोई ना कोई शुभ समाचार आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित रहेंगे, दौड़ धूप रह सकती है, लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है कि इस दौड़ अपनी जो आपकी भाग दौड़ है इसके बीच में आप सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। बाय क्या करेंगे, आज लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प आपको अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएँ खत्म होंगी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, मिथुन राशि। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। शत्रु भय रह सकता है आज, या फिर वो लोग आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। विवाद न करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम आपका जो बहुत समय से आप डिले करते आ रहे हैं, आज उसमें आपकी रुचि अचानक से बढ़ेगी। उपाय क्या करेंगे, आज घर में ईशान कोण में दीपक जलाना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कर्क राशि। कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए द स्ट्रेंथ। आपकी जो कीमती सामान है उसे संभाल कर रखें, चोरी का खतरा हो सकता है। कुसंगति से आज बचने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से जो कि आपको गलत एडवाइस देते हैं या गलत चीज़ों में आपका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, ऐसे लोगों से बचें। फालतू खर्चा हो सकता है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। अगर शॉपिंग पर जा रहे हैं तो थोड़ी सी शॉपिंग कम कीजिए। उपाय क्या करना है, आज संध्या काल में तुलसी में दीपक आपको जलाना है। ऐसा करने से आपके घर में व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए थ्री ऑफ कप्स। सिंह राशि वालों के लिए आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। नौकरी में तरक्की के योग नजर आ रहे हैं और कानूनी मामले में थोड़ा सा सतर्क रहिए। उपाय क्या करेंगे, आज घर के ईशान कोण में आपको लेवेंडर एसेंस का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से जो आपके विरोधी हैं वो परास्त होंगे। और अब बात करते हैं कन्या राशि। कार्ड आप लोगों के लिए निकल रहा है द हैंगमैन। आज के दिन में यात्रा, निवेश और नौकरी बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी आपके लिए। कोई भी ऐसा काम जो कि लेन देन से जुड़ा हुआ है उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें। कानूनी अड़चनें थोड़ी सी आ सकती हैं, जिसकी वजह से टेंशन या एंग्जाइटी आपको रहेगी। ध्यान रहें कि ऐसे काम में या ऐसी बातचीत में आप वाद विवाद की स्थिति न लेकर के आएँ। उपाय क्या करना है, आज के दिन में घर में माँ को सफ़ेद रंग का मिष्ठान का आपको भोग लगाना है। चाहे अगर नारियल की बर्फी हो तो बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसा करने से आपके काम में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही में किसी भी मुश्किल स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम जो कि काफ़ी समय से डिले हो रहा था, आज उसमें आपको उसको पूरा करने में आपकी रुचि बढ़ेगी और उसमें आप मेहनत भी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जल्दबाजी में आज कोई भी काम न करें और जीवन साथी का सहयोग भी आज आपको मिलेगा। उपाय क्या करेंगे, किसी भी मंदिर में चूरमे का प्रसाद चढ़ाना है आपको। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है आज का दिन। कार्ड निकलता है द मून। आज वृश्चिक राशि वालों को लेन देन में सावधानी बरतनी है। नई योजना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है, कार्य प्रणाली में आप सुधार तो हो रहा है लेकिन ध्यान कीजिए अपनी चीज़ों को आप प्री प्लानिंग्स करके चलें। तुरंत से ही आप हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, रुके हुए काम भी आपके बन सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, आज घर के उत्तर पूर्व में पीले रंग के पुष्प आप लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब जान लेते हैं धनु राशि। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए सिक्स ऑफ सॉल्स। आज रोजगार में प्रगति के योग नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। साथ ही में यात्रा से, अगर यात्रा करते हैं, यात्रा से आज आपको लाभ होगा। उपाय क्या करेंगे, आज के दिन में गोल्डन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा और साथ ही में डिलेज नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले लोगों की। कार्ड निकलता है टेन ऑफ पेंटाकल्स। मकर राशि वालों के लिए आज काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म से आप लोग जुड़ने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के काम में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही में अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे संभाल करके रखें। पुराना कोई रोग भी आज उभर सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, आज के दिन में शिव चालीसा का पाठ करना काफ़ी शुभ रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए फाइव ऑफ पेंटाकल्स। आज के दिन में चोट, चोरी और वाद विवाद से आपको हानि हो सकती है। ध्यान दीजिए, आज इन सभी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है।
साथ ही में जल्दबाजी में आज कोई काम नहीं करना है, भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी, काफ़ी व्यवस्थित आप रहेंगे चीज़ों को लेकर के। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आपको बहुत आवश्यक खर्चा करना पड़ता है, सिर्फ आज ज़रूरी खर्चे ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चे करने से आपके फाइनेंशियल डिसबैलेंस हो सकता है। वाद विवाद हो सकता है तो उससे बचें, उसका कोशिश करें आज किसी ऐसी चीज़ को बढ़ावा न दें। उपाय क्या करना है, आज माँ लक्ष्मी की उपासना करने से आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए, कार्ड निकलता है आपके लिए द सन। जीवन साथी से आज सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है, कानूनी अड़चने भी आज के दिन में दूर होंगी, प्रसन्नता रहेगी पूरे ही दिन भर में, शारीरिक कष्ट थोड़ा सा संभव है तो ध्यान दीजिए अपनी सेहत के प्रति आप लापरवाही न बरतें। उपाय क्या करेंगे, आज गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग आप लगाएंगे, ऐसा करने से आर्थिक समस्या आपकी खत्म होगी। तो 12 ही राशियों के बारे में हमने बात करी, साथ ही में क्या उपाय आपको करने हैं ये भी आपने जान लिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और कल फिर जानेंगे आपके दिन का हाल, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए एस्ट्रो तक।